बच्चों, आज हम मसीह श्रीवास्तव में इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इसमें 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट सवाल बताए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो देखा जाएगा, ये कह रहा है इसमें आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो पाई इक्वल टू सी अपान डी कह रहा है, ये क्या आपस में बराबर है? अगर हम इसका अंतर विरोध करते हैं कि ये आपस में बराबर है कि नहीं, तो अगर हम एक साइकिल ले लेते हैं, साइकिल में आप एक सेंटर ले लीजिए, सेंटर को यानी आप पर देख सकते हैं कि ये एक व्यास है और ये सी यानी साइकिल यानी इसका परिधि हो गया, इसे परिधि कह सकते हैं। ये आपका डी यानी व्यास हो गया, डायमीटर आपका। तो इस तरह से अगर ये व्यास है, ये पूरा परिधि है, तो ये चीज़ें आप मापा जा सकता है, ये भी मापन किया जा सकता है। इसी भी तरह से अगर स्केल से मापते हैं इसको, तो ऐसे माप सकते हैं, ऐसे माप सकते हैं, ऐसे, तो हम उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा यानी अलग आएगा, अलग चीज़ें आएंगी और ये थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है मापन में। तो अगर हम इसमें कहें कि मापन में थोड़ा सा मिस्टेक है और यहाँ पर जो डी की मापन है ये सही है, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसमें मिस्टेक है और इसका एक्वल है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसका भाग देंगे तो ये अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा। तो इसीलिए अगर हम कहें तो यह इसकी क्या हो रहा है, अंतर विरोध कर रहा है, यानी पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, सी अपान डी भी एक क्या हो रहा है कि ये परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त है लेकिन अपरिमेय संख्या हो सकता है, इसलिए यह अंतर विरोध कर रहा है। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, चौथा, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो आप इसे ता जाएगा अगले दिन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है, जो फर्स्ट हम बताएंगे। परिमेयकरण हरों का परिमेयकरण करने के लिए पहला है क्वेश्चन नंबर 1/√7। अंडर रूट 7 यानी इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, यानी अंडर रूट 7 है तो अंश में भी उसका गुणा होगा और फिर हर में भी उसका गुणा होगा। अंडर रूट 7। अब ये देखिए अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 में जब गुणा हो रहा है तो ये 7 प्राप्त हो गया। ओके, तो इस तरह से हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण। अब नेक्स्ट अगला सवाल इसमें यह है, 1/√7 - √6। तो इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, लिखेंगे √7 + √6, यानी इसके चिन्ह जो हर में परिमेयकरण करना है तो उसके जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह बदल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए √7 + √6। ओके, तो इसे जब हम गुणा करिए √7 + √6 / √7 - √6,
और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी एक क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन में ये है, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर यानी एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो इसको तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 7 का यानी 7 माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6, इससे सी हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1। ओके, तो ये आंसर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हर का परिमेयकरण करते हैं। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ये 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, तो इसको भी कर सकते हैं, चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आंसर और हाथ में उसको गुणा कर देंगे। चौथा है 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2, तो इसको भी हम क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे और अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, जितना आप सभी लोग कर लेंगे। ओके, थैंक यू।